डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा नहीं था, बट इट वॉज टाइम कंज्यूमिंग। केमिस्ट्री के थोड़े 12th के, ऑर्गेनिक के मैक्सिमम क्वेश्चंस, रिएक्शंस वगैरह वही सेम। नहीं, एनसीईआरटी नहीं था, थोड़ा ठीक था, थोड़ा मॉडरेट, इजी था, थोड़ा इजी। एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट। आज फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है, डे टू है, कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं जेई मेंस का एग्जाम दे करके, उनका फीडबैक जानते हैं, उनका रिएक्शन जानते हैं कि आज के पेपर में कैसा रहा है उनका पेपर। अच्छा रहा सर। कितने बनाए? 45 क्वेश्चन बनाए जी। क्या डिस्ट्रीब्यूशन क्या लगा? डिस्ट्रीब्यूशन 12th क्लास का मैक्सिमम क्वेश्चन था, शायद 60-40 के हिसाब से था, 12th टू 11th का। मतलब 12th का 60% एंड 11th का 40% जी। ओके, क्वेश्चन कैसे हैं, लाइक मैथ्स के क्वेश्चन किस टॉपिक से एसोसिएटेड हैं? मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव, मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव थे। फिजिक्स के तो ठीक ठाक थे, उतने कोई हार्ड या फिर उतने नहीं थे, हार्ड नहीं। केमिस्ट्री के थोड़े 12th के, ऑर्गेनिक के मैक्सिमम क्वेश्चंस, रिएक्शंस वगैरह वही सेम पिछली बार की तरह। अच्छा अच्छा, अगर पिछले बार में क्या परसेंटाइल रहा था? पिछले बार में कमी था 38-40। इस बार कितना? इस बार 70-80-90 आने का चांस लग रहा है। मतलब पिछले बार कंपैरेटिवली ज़्यादा मेहनत की है या फिर सवाल इजी आया? नहीं, मेहनत भी की और सवाल तो सर पढ़ेंगे तो इजी आएगा लगेगा। एग्जैक्टली। कौन सा कॉलेज फेवरेट है? NIT, ऐसे तो IIT है, बट अभी तो मिलने से रहा, ड्रॉप ईयर में ट्राई करेंगे वापस। ओके, आई विश कि ड्रीम कॉलेज मिल जाए, विश यू लक। थैंक यू सर। कितने बनाए पेपर केमिस्ट्री में? मतलब ऑब्जेक्टिव में 16 बनाए। ओके। और सब्जेक्टिव में 3 बनाए। केमिस्ट्री मतलब सबसे अच्छा केमिस्ट्री गया, सबसे अच्छा। उसके बाद फिजिक्स गया, फिर मैथ्स। अच्छा, मैथ्स सबसे खराब गया, क्यों? मतलब हमेशा वैसा होता रहता है, क्योंकि मैथ्स में मतलब कितना भी अगर पढ़ ले लेकिन कम ही रहता है। अच्छा अच्छा, मैथ्स क्या लगा, लेंदी ज़्यादा था या फिर समझ में नहीं आ रही थी क्वेश्चंस, क्या प्रॉब्लम कहाँ थी? नहीं मतलब पहले ही हमारे सर ही बोले थे कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री पे ज़्यादा मतलब फोकस करना। तो केमिस्ट्री मतलब ज़्यादा फोकस किए थे। और उसके बाद कल का जो पेपर हुआ ना, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, उसका डिस्कशन भी देख के गए थे, तो उससे भी कुछ थोड़ा रिलेटेड था, मतलब अच्छा गया पेपर ऑलमोस्ट। कितना परसेंटाइल उम्मीद कर रहे हो इस बार? मतलब 98-99% हो सकता है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एक क्वेश्चन में थे, मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर के भी क्वेश्चंस थे, तो वो मिक्स करके आए हुए थे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिक्स थे। अच्छा, तो ये काफी कॉम्प्लिकेशन लेवल बढ़ा दिया। हाँ, मैथ्स का डिफिकल्ट था, केमिस्ट्री थोड़ा इजी लेवल पे आ गया था और फिजिक्स मॉडरेट। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एनसीईआरटी बेस्ड? नहीं, एनसीईआरटी नहीं था, थोड़ा मतलब हाँ ऑलमोस्ट एनसीईआरटी था। जिस चैप्टर को एनसीईआरटी से नहीं करा था उसमें से भी आ गया था ऐसा। अच्छा, फिजिक्स में क्वेश्चन ज्यादा किससे, 11th वाले पोर्शन से या 12th वाले पोर्शन से? दोनों से मिक्स था, 12th का थोड़ा सा वेटेज ज्यादा था, थोड़ा सा, मतलब अराउंड 60% 55 और 57 के आस। ओके। अच्छा, आप हमें ये बताओ सेशन वन कैसा रहा था, कितने परसेंटाइल रहे थे? पेपर वन में 93 था मेरा। 93, इस बार कितना होप कर रहे हो? इस बार थोड़ा सा ज्यादा आ सकता है। एनी ड्रीम कॉलेज? थोड़ा नहीं, NIT वारंगल, उसके बाद IIT की। ब्रांच चॉइस? CSE IIT। ओके, विश यू लक। थैंक यू। ठीक था, थोड़ा मॉडरेट, इजी था, थोड़ा इजी था। और जनवरी वाले शिफ्ट से कंपेयर करें तो आसान था, ठीक है। फिर क्यों बोले कि बेकार? नहीं, थोड़ा भी मूड बेकार थोड़ा, क्योंकि लास्ट में थोड़ा टाइम कम था इसलिए। मतलब जो आने वाले क्वेश्चंस कुछ रह गए है ना? हाँ, कह सकते हैं, अगर थोड़ा टाइम रहता तो और वो अच्छे से बनाते। डोंट लूज होप। कितना परसेंटाइल होप कर रहे हो आफ्टर ऑल ये सब बोलने के बाद? कह नहीं सकते, वो तो रिजल्ट के बाद, पहले से कुछ अज्यूम नहीं करेंगे। कितना रहा था सेशन वन में? सेशन वन ही दिया था, नहीं दिया था, अभी जाए तो सेशन टू दे रहा हूं। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। कितने बनाए? 50। क्वेश्चन कैसा लगा आपको? सही था, मॉडरेट। मैथ्स कैसा रहा? मैथ्स बता रहे काफ़ी टफ रहा है आज। नहीं नहीं, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। मतलब मल्टीपल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आया था, मल्टीपल एक क्वेश्चन है मल्टीपल कॉन्सेप्ट, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ा रही थी या फिर क्वेश्चन को इजी कर रहा था? डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा नहीं था, बट इट वाज टाइम कंज्यूमिंग। क्या रहा था परसेंटाइल सेशन वन में? सेशन वन में उतना अच्छा नहीं था, इट वाज समथिंग 76%। इस बार होप कर रहे हो ज़्यादा? एनी फीडबैक फॉर द अपकमिंग कैंडिडेट्स? जस्ट डोंट लेट क्रिएट एनी बैकलॉग।
कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्लियर कर दे पढ़ना है। ओके, विश यू लक। द अपडेट अबाउट टूडेज पेपर, पेपर का अपडेट ये है कि मैथ्स का जो क्वेश्चन है ना उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में लगे हुए आ रहे हैं, बाकी एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वही ऑर्थोडॉक्स सिस्टम फॉलो कर रही है, लाइक जो रेगुलर क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी बेस्ड थोड़ा सा फिजिक्स में है, बाकी इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए पटना लाइट एंड डू सब्सक्राइब फॉर आवर एफर्ट।